क्लास फोर्थ, आज मैं आपको आपका चैप्टर हिंदी सेकंड का 15 पढ़ाऊंगी। टाइटल है विलोम शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विलोम शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, जैसे दिन का रात, खिलना का मुरझाना, बंद का खुला, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, जैसे कि दूर का पास, छोटा का बड़ा, सत्य का असत्य। यानी कि एक शब्द जो आपको दिया है उसका उल्टा शब्द आपको बताना है, तो ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम लेसन 16 पे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो बच्चों, हम दूसरों से जब अपनी बात को कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कम शब्दों में बात को प्रभावशाली ढंग से कहना भाषा की विशेषता कहलाती है और भाषा की सुंदरता को भी बढ़ाती है। इसीलिए हिंदी भाषा में अपनी बात संक्षेप में व्यक्त करने वाले ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिन्हें हम पूरे वाक्य में या किसी शब्द समूह के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द लघु वाक्य भी कहलाते हैं, जैसे मुंबई में आकाश को छूने वाली अनेक इमारतें हैं। आकाश को छूने वाली, अब हम कहें मुंबई में आकाश को छूने वाली बहुत ऊंची 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 इमारतें हैं, तो ये बहुत लंबा वाक्य हो जाएगा। सीधे सीधे हम कह सकते हैं आकाश को छूने वाली इमारतें हैं। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपकी बुक में भी दिया है घोड़े की सवारी करने वाला। इतना लंबा ना कह के हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं बच्चों, घुड़सवार। और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे जो कभी ना मरे अमर, मांस खाने वाला मांसाहारी, जल में रहने वाला जलचर, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, शहर में रहने वाला शहरी। तो इस तरीके से ये आपका छोटा सा चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम आते हैं लेसन 17 पे, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं कि एक कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं हिंदी भाषा में जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। लिखने में तो सेम लिखा जाता है, लेकिन क्या होता है उनके जो मीनिंग है ना, वो अलग अलग वाक्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, तीर, तीर, तीर हम बाण को भी कहते हैं और तीर हम नदी के किनारे को भी कहते हैं। तीर हम बाण को भी कहते हैं और तीर हम नदी के तट को भी कहते हैं। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हमें इसका अंतर पता चलेगा। तीर, पहले तीर का यूज़ करा तो उसमें हमने वाक्य बनाया अर्जुन का तीर चिड़िया की आँख में लगा, अंडरस्टैंड है। नदी का तट, अब इसका हम यूज़ करेंगे, यमुना के तीर पर कई कदम के वृक्ष हैं। इसी तरीके से एक और ले लीजिए, लाल, लाल एक रंग भी होता है और लाल बच्चों को उसकी माँ लाल कहकर भी बुलाती है, ठीक है, तो लाडला बच्चा भी हो गया। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे, पहले लाल का अर्थ क्या लिखेंगे हम, मेरी कमीज लाल है, यानी एक रंग का इसमें पता चल रहा है कि एक रंग है। दूसरा, मेरे बच्चे मेरे लाल हैं, तो इसमें पता चल रहा है किसी माँ का प्यारा बच्चा। तो ये इस तरीके से आपका 17 में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक और मैं बता रही हूँ, बार, बार हम दिन को भी कहते हैं और आक्रमण को भी कहते हैं। जैसे आज सोमवार है तो वार का यूज़ हुआ दिन में, और भारत ने पाकिस्तान पर वार किया तो ये क्या हो गया, आक्रमण। तो इस तरीके से दोनों वाक्यों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट कब होता है, जब हम वाक्य बनाते हैं तब हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत जगह पे बच्चों ऐसा भी आएगा कि जैसे हमने काम लिख दिया, अब दो अर्थ हैं इसके, एक तो कार्य और दूसरा मतलब, ठीक है, तो दोनों का आपको जो है अर्थ दे भी मांग सकती हूँ मैं आपसे। तो आप इन तीनों चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ओके, अब इनका वर्क में कंसेंट करूँगी।